तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। शाम को अच्छा जी, अब हम इसी में हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहा हूँ, सो दैट आपको अगर देखनी हो समझनी हो तो आप आसानी से समझ सकें। हमने ये देखा था, हमने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया था। डिस्प्ले के फंक्शन को हमने ऐसे बनाया था कि उसको एक एरे पास होती है और उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो एम है, तो हमने लूप चलाई और हमने डायरेक्टली सी आउट करा दिया। तो इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे। ये हमने क्या किया था, ये एक और हमने फंक्शन बनाया था जो कि एवरेज फाइंड आउट करता है, स्क्वायर और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पास हुए थे। हमने लूप चलाई, उसने सबका सम फाइंड आउट किया और सम फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसको इस पर डिवाइड किया तो हमें एवरेज मिल जाती है। ठीक, सो इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज, तो मैं जैसे ये फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन कैसे कॉल करूँगा, ये हमने मेन फंक्शन में भी कॉल किया हुआ था, एज इक्वल टू एवरेज। एवरेज किसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, इस फंक्शन में आपकी मेन फंक्शन में आपकी एरे का नाम क्या, ए आर आर, तो हमने एरे का नाम पास किया, कॉमा 10 पास किया, तो उसने इसके इस एरे के 10 एलिमेंट्स की एवरेज फाइंड आउट करके वेरिएबल ए में प्लेस कर दिया। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम यहाँ यूज़ करेंगे और आए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। ओके, हमें ये चाहता हूँ कि आप ये जो प्रोग्राम है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनको भी देखिएगा समझिएगा। ठीक है, उसके अंदर इस टाइप के ढेर सारे सवाल हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूँ, ठीक है, कोई भी यहाँ पर कंडीशन मैं अगर डाल दूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, वरना ये एलिमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 20, तो वो प्रिंट हो, वरना प्रिंट मत हो। अब ये कोड क्या करेगा कि इसको आपने एक एरे पास की है, उस एरे में वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू 20 से बड़ी है उनको प्रिंट कर दे, जिनकी वैल्यू 20 से बड़ी नहीं है उनको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो अब इसमें से यहाँ पर अगर लेते हो ये वैल्यूज पड़ी हुई थी, तो वो इसको प्रिंट करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको इसको प्रिंट करेगा, इसको नहीं प्रिंट करेगा, करेगा 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 करेगा। सो आउटपुट विल बी 50, 30, 40, 60, 70, 80 and 90। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर मैं यहाँ वैल्यू बदल दूँ और मैं यहाँ पर कह दूँ विच एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन 60, तो अब वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, यस, इसको भी नहीं करेगा 70, 80 and 90। सिर्फ इसकी सूरत में कंडीशन हमारी ट्रू होगी, वरना कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे हम वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, जब एरे ऑफ आई लिखते हैं तो मतलब ये वाली वैल्यू की बात होती है। ठीक है, सो कौन कौन सी, एरे ऑफ 0 दिस वन, एरे ऑफ जब नेक्स्ट टाइम एरे ऑफ 1 दिस थिंग, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4। ठीक, तो जिसकी वैल्यू जो इस कंडीशन के मुताबिक होगी सिर्फ वो प्रिंट हो रहे हैं, बाकी प्रिंट नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। राइट, अब आपको कोई प्रोग्राम ये कहने कह देता है कि वो तमाम नंबर्स प्रिंट कर दें जो अबव एवरेज हैं। अबव एवरेज से मुराद के आपके पास एक स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स के अंदर से कुछ मार्क्स हैं, आपने उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, और जिनके मार्क्स अबव एवरेज हैं उनको प्रिंट कर दें, जिनके मार्क्स बिलो एवरेज हैं उनको जरा आइडेंटिफाई कर दें, सो दैट हम उनके साथ एक्स्ट्रा सेशन लगा लें, जिनके मार्क्स बिलो एवरेज हैं। ठीक, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज। अगर मुझे एवरेज पता होगी तो मैं सिंपल इधर 60 की जगह एवरेज लिख दूंगा, तो अबव एवरेज वाले आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एवरेज कर दूँ तो जिनके मार्क्स बिलो एवरेज हैं वो सब लोग सामने आ जाएंगे। ठीक है, सो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पर एक और इंटीजर ए मैंने डिक्लेयर किया, ए इज इक्वल टू हमने जो एवरेज का फंक्शन बनाया था वो एवरेज वाला फंक्शन कॉल कर लें, और रिमेंबर यहाँ पे हमारी एरे का नाम ए आर आर नहीं एम आर आर था, तो मैंने यहाँ एम आर आर लिखा।